पानी पकड़ा। ये जो सेटल बैग है और एक बुल्लू याद आ गया, अगर तो मैं पक्का बिक जाऊंगा। और तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूं ओशिम और आप सबका स्वागत करता हूं और एक नए डे पे मेरे यूट्यूब चैनल बेठिकाना में। तो गाइस, कल रात में इधर ही सोया था, ठीक है। कल मेरे को टेंट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ है, जो भी है कल बहुत मस्त नींद आया है गाइस। तो बस अभी मैं निकलने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत पैकिंग चल रहा है अभी। तो गाइस, आज मैं जाऊँगा लामडिंग और लामडिंग का जो डिस्टेंस है यह से लगभग 55 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए। और बस मैं कुछ ही मिनटों में निकलने वाला हूँ यहाँ से। आप लोग देखते रहना प्लीज़, आज क्या क्या होता है मेरे को भी पता नहीं है। तो गाइस, फिलहाल मैं हुजा का जो मेन टाउन होता है वही मैं क्रॉस कर रहा हूँ और आगे जाके मैं लोंका रोड पकड़ के मैं आगे जाऊँगा और मेरे को आज जाना है लामडिंग। बस चलो, आप लोग भी देखते रहना, वो अभी थोड़ा बहुत नज़ारा है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मैं जो हुजाई टाउन से निकला नहीं, और भी बहुत सारे दादा लोग मिल गया, मिलकर बहुत अच्छा लगा दादा आप सबसे। तो फिर मिलेंगे कभी। तो गाइस, ये है शॉर्टकट रोड और गूगल मैप पर अभी काफी शॉर्टकट रोड का मतलब लेके मतलब आप मत कीजिए, क्योंकि मेरे को दुनिया घुमा के इधर लेके आया, ठीक है। और सबको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया मेरे को, मतलब 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नजारा देखते हुए। देखिए गाइस, आज का वेदर की मतलब कितना प्यारी लग रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है, ठीक है। अगर बारिश आ जाएगा तो मैं पक्का बिक जाऊंगा और मेरा सामान भी बिक जाए साथ में। वाओ, थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और अपन भी निकल गया, लेकिन खाना नहीं खाया यार। चलो आगे चलते हैं। सिर्फ रोड क्यों दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी रोड देख देख के मतलब बोर हो चुके हो। चलो, तो गाइस मैं उजाई डिस्ट्रिक्ट भालुकमारी में हूँ और ये जो भाई साहब देख रहे हैं, काफी टाइम से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके सामने हमें सोचा नहीं था, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है भाई। और आप लोगों से भी मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई, आपने फॉलो करते हुए इधर, थैंक यू सो मच। और मेरा यूट्यूब चैनल इधर है, आप विजिट कर लेना, ठीक है। ओके, सपोर्ट करना भाई, भाई को सपोर्ट करना भाई। हाँ चलो भाई, मिलेंगे और एक बार। गाइस मैं अभी लंका में हूँ और ये जो अंकल जी है मेरे को एक्चुअल नाश्ते के लिए बुलाया है, अभी बस वो नाश्ता खा के मतलब अंकल जी आज नाश्ता खिलाएगा, वो जो भी है मैं खा के आगे निकल जाऊंगा। थैंक यू सो मच अंकल जी। और ये है अंकल जी का शॉप लंका में, जय गुरु पान भंडार। जय गुरु पान भंडार, हाँ अंकल जी का सबका नाम है जय गुरु पान भंडार, बहुत अच्छा नाम है। नाम श्री प्रहलाद चंद्र सिल। अच्छा अच्छा, श्री प्रहलाद चंद्र सिल, आप कहाँ से अंकल? नहीं यहाँ का हूँ, लोकल। अच्छा, ये लंका में रावण मिलेगा? लंका में रावण काम रहता है, श्रीलंका में मिलेगा। ओ अच्छा अच्छा, ये तो असम का लंका, असम का लंका डिस्ट्रिक्ट में गिर जाए। अच्छा अच्छा, ये असम का लंका है। जो भी फिलहाल गाइस मैं लंका से जा रहा हूँ, मतलब लंका आने के बाद मतलब अंकल जी मेरे को मिला तो बोल रहे बेटा चलो कुछ खा के जाओ तुम, तो उनका बात भी मतलब मैं मना नहीं कर पाया, तो चलिए अंकल। तो इन्होंने रोटी सब्जी मेरे को बोला चिकन दे के खाने के लिए, तो मैं भाई चिकन सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है मेरे को, जो भी है दूध भी पिलाया, रोटी सब्जी और मतलब पानी का बोतल भी दे दिया, बहुत ही अच्छा लगा भाई। लंका का मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई, लंका नहीं टोटली आसाम का लोग ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब भी मतलब हेल्पिस्ट है, बहुत हेल्प करते हैं और बात करते हैं, वही काफ़ी है। बाय बाय लंका।
लोंका का जो मेन टाउन है वो क्रॉस करके लगभग 5 किलोमीटर होगा ना, 5 किलोमीटर अंदर आ गया, मतलब जा रहा था तो डालमिया का सामने, अच्छा अच्छा डालमिया का सामने, तो इस टाइम सारे लोगों से मिल गया। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम दन भुया है और मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। आप सबसे मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे भी सर। तो गाइस अभी मैं लोंका बामुन गांव जो भी बोल दे भैया, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है कि फिर मिलेंगे। अभी तो मैं आगे जा रहा हूँ और अभी और कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे यूट्यूब चैनल विजिट कर लेना, ठीक है? ये वाला है ना, आप लोग देखते रहे ना, ये वाला, हाँ ये वाला है मेरा चैनल। तो अभी थोड़ा पहले ये भाई साहब से मिला था और अभी तो मतलब दोनों ब्रदर से मिल गया, सभी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल के। और ये भाई साहब मेरे लिए मतलब पानी पकड़ा, बिस्किट पकड़ा, केक पकड़ा, मतलब क्या क्या है, क्या है भाई बदल ले दूर से आ रहे हमारे मेहमान है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दादा, इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊंगा मैं। गाइस मैं जंगल में तो फंस गया क्योंकि इस साइड में जाऊंगा और इस साइड भी जंगल ही है 24 किलोमीटर, और पीछे से आया यहाँ पे भी कोई शॉप नहीं है 1 किलोमीटर का अंदर, और अभी थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा है और मैं एक अभी फिलहाल एक गाछ का नीचे ही हूँ, पैर का नीचे ऐसे ही पानी पी रहा था तो पानी पी लिया, और अभी पानी पी लिया बस अभी निकल जाऊँगा, थोड़ा बहुत गिर रहा है और देखते हैं अगर ज़्यादा बारिश आ जाएगा तो भाई सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो गाइस अभी मैं लमडिंग पहुंच गया और देख सकते मैं भीग के एकदम पानी पानी हो गया, अभी पेट्रोल पंप पे आया तो देखते हैं उधर स्टे रेंज होगा तो अच्छा है, नहीं तो आगे देखते। तो गाइस मैं अभी लमडिंग में हूँ और कौन सा सर्विस स्टेशन बता दीजिए? पवन सर्विस स्टेशन लमडिंग। लमडिंग तो आज सर ने मेरे को इधर स्टे अरेंज करके दिया और बोल रहे हैं टेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं, सर बिस्तर है, तो थैंक यू सो मच सर, मैं ऐसे स्टे अरेंज करके रह रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा जो कपड़ा है भीग गया है, तो सबसे पहले तो सब कुछ मतलब निकलना है, मैं अरेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? थैंक यू। सच्ची में गाइस आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब गया, देख लो भाई ये जो सेटल बैग है वो भी फट गया है, मतलब मेरा और एक देखो मतलब दोनों बैग फट गया है। ये जो दादा है एक्चुअली दरमनोगा का है, कदम तोला। तो अभी मैं एक्चुअली पेट्रोल पंप पे स्टे कर रहा हूँ, स्टे अरेंज करके दिया मैनेजर सर ने, तो मैनेजर सर के तो सर को तो और एक बार थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा स्टे अरेंज करके दिया। तो अभी मैं मार्केट से आया, एक्चुअली मेरा जो बैग है वो फट गया है, और दूसरा मैं ये जो बैग है मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो बैग है भाई पैसा तो नहीं है फिर भी ये बैग खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि सामान कैरी करना है। और उस टाइम मेरे को मैनेजर सर ने बताया रहा है कि आप त्रिपुरा कौन सा जगह से हो, तो सोचा कोई तो कुछ लोचा तो है बोल रहा है, और त्रिपुरा से और एक दादा है, तो मतलब मिल के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप त्रिपुरा का हो और मैं भी बाहर घूमने के लिए आया, तो त्रिपुरा का लोग जब मिल जाता है ना ऑब्वियसली मजा आ जाएगा ना। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, और ये है हमारा भोजन, मतलब आज रात का डिनर मटर पनीर और साथ में रोटी, भाई बहुत अच्छा है। चलो खाना खा के बात करते, नहीं तो डटेगा भैया। चलो गाइस खाना बहुत ही टेस्टी था, अंकल जी ने बनाया बहुत ही टेस्टी, तो खाना खा लिया और अभी रूम जाके एडिट करके सो जाऊंगा। तो बस आज का वीडियो में इधर ही ख़त्म करते किचन में, और आप लोगों से मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय अंकल।